बीजेपी ने उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से नकवी को टिकट नहीं मिला। अब वहां से भोजपुरी सिनेमा के जाने माने स्टार दिनेश लाल निरहुआ चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश से घनश्याम लोधी और दिनेश लाल यादव निरहुआ, उधर त्रिपुरा से सीएम माणिक लाल साहा, दिल्ली से राजेश भाटिया और गंगोत्री कुजूर झारखंड से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने रामपुर सीट पर घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पार्टी ने भोजपुरी स्टार और पूर्व प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया है। आजमगढ़ से कमल निशान पर चुनाव लड़ चुके निरहुआ ने इस घोषणा से पहले ही वोट मांगना शुरू कर दिया है। निरहुआ ने शुक्रवार को ट्विटर पर पोस्टर जारी करते हुए कमल निशान पर वोट देने की अपील की थी। उन्होंने लिखा था, जाति धर्म ना कौनो भरम ना कौनो मनबढ़ के लिए कमल के बटन दबैया भैया अपने आजमगढ़ के लिए। उधर राजस्थान में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान चरम पर है। बसपा के टिकट पर चुनाव जीते 6 विधायकों को पार्टी ने व्हिप जारी कर निर्दलीय उम्मीदवार को वोट करने को कहा है, तो मुख्यमंत्री गहलोत की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कांग्रेस के 11 से ज़्यादा विधायक पार्टी से नाराज हैं और लाख मान मनोवल के बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने राज्य में 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के मद्देनज़र पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी की है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया है कि पार्टी ने विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा, लाखन सिंह, दीपचंद, जोगिंद्र सिंह अबाना, संदीप कुमार एवं वाजिद अली को व्हिप जारी कर कहा है कि वे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं करें और वे निर्दलीय उम्मीदवार को अपना वोट डालें। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए देश के 6 मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर को पैसा देंगे। पीके ने कहा है कि बिना पैसे लिए सभी का सपोर्ट किया, अब वही लोग हमें खर्च देंगे। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बताया कि देश के 6 मुख्यमंत्री बिहार में उनकी कैंपेनिंग का खर्चा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना कंधा लगाया था, उनसे पैसे भी नहीं लिए थे, अब तो वे ही लोग बिहार में मेरे कार्यक्रमों के लिए मदद करेंगे। प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं। शुक्रवार को हाजीपुर में उन्होंने ये बताया कि उनके कार्यक्रमों के लिए फंडिंग कहाँ से होगी। उन्होंने कहा कि मेरे स्पॉन्सर के तौर पर देश के 6 मुख्यमंत्री हैं जो मेरा खर्च उठाएंगे। पीके पूरे जोश के साथ अपनी जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं, साथ ही लोगों से यह भी कह रहे हैं कि वह कभी भी किसी भी पार्टी की बी टीम बनकर काम नहीं करेंगे। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच सरकार का बड़ा फैसला आया है। सरकार ने 117 टीचर्स को घाटी से बाहर ट्रांसफर कर दिया है। ये सभी टीचर्स कश्मीरी पंडित हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। कश्मीरी पंडित समुदाय से आने वाले 177 टीचर्स का ट्रांसफर घाटी से बाहर कर दिया गया है। सभी को कश्मीर के जिला मुख्यालयों में पोस्टिंग दी गई है। यह फैसला शुक्रवार को गृह मंत्रालयों में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया। श्रीनगर चीफ एजुकेशन ऑफिसर की ओर से जारी एक पत्र में सभी टीचर्स के ट्रांसफर की जानकारी दी गई है। प्रशासन के इस फैसले को कश्मीरी पंडितों के आक्रोश को कम कराने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बाद से ही कश्मीरी पंडितों में आक्रोश है। और अब बात आज के इतिहास की। चीन ने तियानमेन की निशानी हटा दी है। जहां हजारों लोगों पर गोलियां बरसाई थीं, वहां से लोकतंत्र की प्रतिमा भी हटा दी गई। यूएस ने कहा, इतिहास मिटाने की कोशिश है ये। बताते चलें कि आज ही के दिन 33 साल पहले 4 जून 1989 में चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में हजारों लोग लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे।
सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को उतार दिया। उसके बाद सेना ने तबाही का जो आलम रचा वो आज भी लोगों की रूह कपा देता है। पीएलए आंदोलन कुचलने के लिए लोगों पर गोलियां और बम चलाने से भी नहीं चूकी। सड़कों पर टैंक उतार दिए गए और निहत्थे लोगों को रौंद दिया गया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में 10,000 लोगों के मारे जाने की बात कही गई। हालांकि चीन ने कभी भी मरने वालों की संख्या को सार्वजनिक नहीं किया। यह घटना आज भी चीनी सरकार को इतनी डराती है कि उसने इस नरसंहार से जुड़े कंटेंट पर बैन लगा रखा है। उस समय चीन की इस कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना की गई थी। तब से लेकर आज तक चीनी सरकार बेहद सतर्कता बरतती है। अब उसने थियानमेन स्क्वायर से इस आंदोलन से जुड़े स्मारकों, खासकर लोकतंत्र की प्रतिमा को हटा दिया है। दुनिया भर में चीन के इस कदम की आलोचना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।